ये बात है 1996 की। यूक्रेन की रहने वाली सतना नाम की औरत ने एक पेंटिंग बनाई थी जिसका नाम था रिन ऑफ वुमन। वैसे तो इस औरत ने 5 घंटे में इस पेंटिंग को बना दिया था, लेकिन पेंटिंग बनाने के बाद इस औरत ने कहा था कि जब मैं ये पेंटिंग बना रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे साथ कोई और काम कर रहा हो और मेरे हाथ से जबरदस्ती इस पेंटिंग को बनवा रहा हो। लेकिन उस समय इस बात पर किसी ने विश्वास नहीं किया। बाद में सतनान ने इस पेंटिंग को एक आर्ट गैलरी वाले को बेच दिया, लेकिन थोड़े दिन बाद एक औरत ने इस पेंटिंग को खरीदा। उस औरत ने इस पेंटिंग को अपने घर में लगाया, लेकिन सिर्फ 5 दिन बाद उस औरत ने इस पेंटिंग को वापस लौटा दिया। उस औरत ने कहा कि जब से मैं इस पेंटिंग को लेकर गई हूँ, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे साथ कोई और रह रहा हो और मेरे घर की चीज़ें अपने आप टूट जाती थी। उसके बाद उस गैलरी से इस पेंटिंग को 4 बार खरीदा गया, लेकिन सभी लोगों ने इस पेंटिंग को वापस लौटा दिया और सभी ने एक ही बात कही कि ये पेंटिंग स्थापित है। लेकिन बाद में इस पेंटिंग को एक संगीतकार ने खरीद लिया, लेकिन उसके साथ भी यही हुआ। पेंटिंग को खरीदने के बाद उस आदमी का अपने बीवी से तलाक हो गया, लेकिन उसके कुछ साल बाद वो संगीतकार कहीं गायब हो गया और ये पेंटिंग भी कहीं गायब हो गई। ना तो उस संगीतकार का पता चल पाया, ना इस पेंटिंग का। इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना, आप इतिहास की ऐसी घटनाएं जानेंगे जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। नंबर 2, दोस्तों आपने कभी न कभी ये जरूर सुना होगा कि पैसा कमाना मुश्किल नहीं है बल्कि पैसे को संभालना मुश्किल है, और इस बात को सच किया है बिहार के सुशील कुमार ने। 2015 में सुशील कुमार ने केबीसी से 5 करोड़ रुपए जीते थे। 5 करोड़ रुपए काफी बड़ी रकम होती है, लेकिन सुशील कुमार इन पैसों को संभालने में नाकाम रहा। जब सुशील कुमार ने 5 करोड़ रुपए जीते तो सुशील कुमार के दुश्मन भी सुशील के दोस्त बन गए थे। उस समय सुशील एक सेलिब्रिटी बन चुके थे, लेकिन कहते हैं ना, हर हाथ मिलाने वाला दोस्त नहीं होता। धीरे धीरे सुशील कुमार को इसके दोस्तों ने नशा सिखा दिया। हर रोज सुशील कुमार के पास से पैसे खर्च हो रहे थे। सुशील कुमार को भी बहुत घमंड हो चुका था, ये जहां भी जाता दान पुण्य करता रहता। वैसे तो दान पुण्य करना अच्छी बात थी, लेकिन बहुत से लोगों ने दान पुण्य के नाम पर सुशील कुमार को लूटा था। इतना ज्यादा दान पुण्य करना सुशील कुमार की बीवी को भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो जानती थी कि पैसे बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे, और हुआ भी ऐसा ही। 2016 में सुशील कुमार के 5 करोड़ खर्च हो चुके थे। आज की तारीख में सुशील कुमार एक आम जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन यदि सुशील को सही से पैसे हैंडल करना आता तो आज वो करोड़पति होता। नंबर 3, ये बात है 2004 की। एस्ले रिवल नाम का ये व्यक्ति एक कसिनो में बैठा था, तभी इस आदमी ने अपनी पूरी कमाई एक बेटिंग में लगा दी जो $1,35,000 थी। इस आदमी ने यह कहकर यह बेटिंग लगाई कि देखते हैं कि मेरी किस्मत कितना साथ देती है। इसने अपनी सारी कमाई 7 नंबर पर लगाई थी, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो हैरान कर देने वाला था। वो बॉल उसी 7 नंबर पर जाकर रुकी जहां पर एस्ले ने पैसा लगाया था। इतने साल एस्ले ने मेहनत करके जो पैसे कमाए थे उसने 5 मिनट में उन पैसों को डबल कर दिया। नंबर 4, 19वीं सदी में अमेरिका के बीच पर घूमने के लिए एक ड्रेस कोड होता था। यदि कोई महिला बीच पर घूमना चाहती है तो उसकी ड्रेस घुटने से 6 इंच से ज़्यादा ऊपर नहीं होनी चाहिए, और यदि किसी पुलिस वाले को किसी महिला की ड्रेस पर शक होता तो वो उसका नाप भी लेता था, और यदि किसी महिला की ड्रेस छोटी हो जाती तो उसको बीच से निकाल दिया जाता। इसके साथ पुरुषों के लिए भी नियम होता था, पुरुष बिना शर्ट के बीच पर नहीं घूम सकते थे। नंबर 5, चंगेज खान की क्रूरता के किस्से तो आपने बहुत से सुने होंगे, लेकिन चंगेज खान एक अजीब किस्म का इंसान था। चंगेज खान का ये मानना था कि गर्म पानी हमारे सेहत के लिए हानिकारक है, इसीलिए वो हमेशा ठंडा पानी पिया करता था, और उसका यह भी मानना था कि हमारी पेशाब हमारे शरीर के लिए लाभदायक होती है।
इसलिए वो अपने ही पैसा आपको पीने को कहता था। यदि आप चंगेज खान के बारे में और जानना चाहते हैं तो उस पर मैंने एक वीडियो बनाया है जो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हो। नंबर 5, 15वीं शताब्दी के आसपास इंग्लैंड के लोगों का पहनावा बहुत ही अजीब होता था। उस समय अमीरों की पहचान लंबे जूते पहनने से होती थी। जिन लोगों की समाज में इज्जत होती और जिस आदमी के पास ज्यादा पैसा होता था वो लंबी नोक वाला जूता पहनता था। इतना ही नहीं, वहां के राजा के पास ही अधिकार होता था कि वो 5 इंच लंबे नोक वाले जूते पहन सकता है, बाकी लोगों को छोटी नोक वाले जूते पहनने पड़ते थे। और यदि कोई आम आदमी लंबी नोक वाला जूता पहन लेता तो उस आदमी के ऊपर 10,000 रुपये जितना जुर्माना लगाया जाता था। नंबर 6, प्राचीन ग्रीस में 560 के आसपास एक राजा राज किया करता था जिसका नाम था फलारिस। इस राजा को लोगों को मारने में बड़ा मजा आता था। वो लोगों को मारने के लिए अलग अलग तरीके ढूंढा करता था। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उसी राज्य का एक आदमी फलारिस के पास एक बैल लेकर आता है। वो बैल लोहे का बना था और बीच से खोखला था। उस आदमी ने फलारिस से कहा कि इस बैल से आप लोगों को सजा दे सकते हो। इस बैल में यदि आदमी को डालकर नीचे आग लगाई जाएगी और जब आदमी अंदर चिल्लाएगा तो बाहर चिल्लाने की आवाज ना आकर मधुर ध्वनि सुनाई देगी। ये सुनकर फलारिस बहुत खुश हुआ, लेकिन फलारिस ये देखना चाहता था कि ये बैल कैसे काम करता है, और ये देखने के लिए एक आदमी को उसके अंदर डालना था। अब पास में तो ऐसा कोई आदमी नहीं था, इसलिए फलारिस ने जिस आदमी ने बैल बनाया था उसी को उस बैल में डलवा दिया। जिसने दूसरों को तड़पाने के लिए जो चीज बनाई वो उसी के अंदर मारा गया। लेकिन इससे भी हैरानी की बात यह है कि कुछ साल बाद फलारिस पड़ोसी राज्य से युद्ध में हार गया और पड़ोसी राजा ने फलारिस को उसी बैल में डालकर मार डाला। इसलिए जिसने बैल बनाया और जिसके लिए बैल बनाया था वो दोनों ही उसी बैल में मारे गए। इसीलिए कहा जाता है कि कर्मा लौट कर जरूर आता है। नंबर 6, ईदी अमीन को तो आप जानते ही होंगे। ये बहुत ही क्रूर आदमी था। एक बार ये आदमी जेल में कैदियों को देखने गया था, लेकिन वहां पर ईदी अमीन ने बहुत ही खतरनाक काम किया। उसने उस कैदियों को एक कुल्हाड़ी दी और उन कैदियों को कहा कि लास्ट में जो जिंदा बचेगा उसको आजाद कर दिया जाएगा। ये कहकर वो वहीं पर बैठ गया और कैदियों की लड़ाई देखता रहा। बहुत से कैदी आपस में लड़कर मर गए। नंबर 7, टग ऑफ वॉर। इस खेल के बारे में आप जानते ही होंगे, लेकिन वाइकिंग्स इस खेल को बहुत ही खतरनाक तरीके से खेला करते थे। पहले तो जानवरों की खाल से एक मजबूत रस्सी बनाई जाती ताकि वो रस्सी टूट ना सके, और जहां पर यह खेल खेला जाता वहां बीच में आग लगा दी जाती। उसके बाद इस खेल को शुरू कर दिया जाता। इस खेल के अंदर जो टीम हार जाती वो उस खड्डे में गिर जाती और खड्डे के अंदर आग जल रही होती थी जिसके अंदर वो खिलाड़ी गिर जाते, और उस रस्सी को तब तक खींचा जाता था जब तक कि लास्ट खिलाड़ी उस खड्डे के अंदर ना गिर जाए। लेकिन यहां पर भी ये खेल खत्म नहीं होता। जो टीम हार जाती उस टीम की संपत्ति के साथ उनकी औरतों पर भी जीतने वाली टीम का अधिकार हो जाता, और संपत्ति के साथ औरतों को भी जीतने वाली टीम के लोग ले जाते। उस समय इस खेल को टोगा होंग के नाम से जाना जाता था। नंबर 8, प्राचीन ग्रीस में बहुत ही अजीब नियम हुआ करते थे। उसी में से एक नियम था कि यदि कोई लड़का किसी लड़की को प्रपोज करता और वो लड़की मना कर देती तो उस लड़के के पास ये अधिकार होता था कि उस लड़की के खिलाफ वो केस कर सकता था, और यदि लड़की ने बेवजह ही उसके प्रपोज को ठुकराया है तो उस लड़की को जेल हो जाती। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।